मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ अवर थर्ड वीडियोस। यहाँ पर हम डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस डिस्कस करने वाले हैं। जो हमारे प्रीवियस दो वीडियोस थे उसके अंदर हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन डिस्कस किया था। जब हम किसी फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से डिवाइड करते हैं तो जो दूसरा फ्रैक्शन होता है उसके रेसिप्रोकल को पहले वाले फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करके उसका आंसर निकालते हैं। जब हमारे पास डिवीजन होता है तो हमारे पास दो कंडीशन होती है, जैसे हम अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि डिवीजन ऑफ ए होल नंबर बाय ए फ्रैक्शन। 3 हमारा होल नंबर है और इसको हम 1/4 से डिवाइड करना चाहते हैं, तो 3 को आप एज इट इज़ रखोगे, डिवाइड की जगह आपको मल्टीप्लाई का साइन लगाना है और 1/4 का रेसिप्रोकल लेना होता है। फिर हम इस न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारा आंसर जो है वो 12 आ जाता है। अब रेसिप्रोकल ऑफ ए फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? जैसे अभी हमने यूज़ किया तो रेसिप्रोकल का मतलब ये होता है कि जब हम किसी भी गिवन फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल लेते हैं तो हम न्यूमरेटर डिनोमेटर का चेंज कर देते हैं। लाइक अगर सपोज़ यहाँ 4/5 है तो आप जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमेटर बना देंगे और जो डिनोमेटर है उसको न्यूमरेटर बना देते हैं। तो दिस इज़ द बेसिक मैथड बाय विच वी कैन टेक द रेसिप्रोकल ऑफ एनी फ्रैक्शन। अभी जो डिवीजन की जो हमारी दूसरी कंडीशन है, इसके बाद इसमें हमारे पास में एक फ्रैक्शन है और दूसरा फ्रैक्शन भी हमें दे रखा है और दोनों को हमें डिवाइड करना होता है। तो जो फर्स्ट फ्रैक्शन होता है उसको हम एज इट इज़ लिखते हैं, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं और दूसरे वाले फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल ले लेते हैं। अगर वो सिंप्लीफाई होता है तो आप उसको किसी भी नंबर से सिंप्लीफाई करने के बाद में फिर जब हमारा फाइनल आंसर है उसके अंदर हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमेटर को मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकालते हैं। तो जो हमारी एक्सरसाइज लास्ट एक्सरसाइज है 2C, उसके अंदर हम इन तीनों बेसिक चीज़ों को ही कंसिडर करने वाले हैं। तो हम अब स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 2C। एक्सरसाइज 2C में जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है उसके अंदर आपको बोल रखा है फाइंड फर्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन है उसके अंदर हमें ले रखा है फाइंड ए में आपको फर्स्ट 3/4 डिवाइडेड बाय 5/7। तो यहाँ पर हमें दो फ्रैक्शंस को डिवाइड करना है तो हम सेकंड रूल के अकॉर्डिंग करेंगे कि 3/4 आपने 3/4 लिखा, मल्टीप्लाई का साइन लगाया, जो नेक्स्ट वाला जो फ्रैक्शन होता है उसका हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई भी जो नंबर है वो सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है। तो न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आ जाएगा, डिनोमेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आंसर आएगा। आप चाहे तो अपने आंसर को इसी तरीके से छोड़ सकते हैं। दूसरा कंडीशन क्या होती है कि हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। इसी तरीके से हम एक क्वेश्चन और ले रहे हैं क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास में जो है एक मिक्स फ्रैक्शन दे रखा है और उसको हम होल नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। जब कभी भी आपका मिक्स फ्रैक्शन होता है तो पहले उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ता है। 3 2 6 + 1 तो हो जाएगा आपका 7/2। अब आप इसके बाद में मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, जो 5 है उसका रेसिप्रोकल अगर आपको लेना है तो 1/5 कर देंगे और 7 1 = 7 और 5 2 = 10, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। सिमिलरली एक क्वेश्चन और लेते हैं जिसके अंदर हमारे जो ई क्वेश्चन है इसके अंदर हमारे पास में एक मिक्स फ्रैक्शन दे रखा है और एक दूसरा फ्रैक्शन दे रखा है। जैसे मिक्स फ्रैक्शन हो तो उसको आप पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 6 5 = 30 + 1 31/5, फिर हम मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाते हैं और जो दूसरा फ्रैक्शन होता है उसका रेसिप्रोकल लेना होता है क्योंकि 5 और 5 कैंसिल हो सकते हैं, इसलिए हमारा आंसर कितना आ जाएगा 31। उसके बाद इसी तरीके से जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 2 दे रखा है, इसमें इन्होंने बोला है फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग एंड क्लासिफाई देम एज प्रॉपर इम्प्रॉपर एंड द होल नंबर्स। जैसे हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें रेसिप्रोकल लेना है, लाइक 4/5। अगर आप इसका रेसिप्रोकल लेते हैं तो आपको क्या करना है, न्यूमरेटर डिनोमेटर को इंटरचेंज करना पड़ता है और साथ में आपको ये भी लिखना है कि ये कौन सा फ्रैक्शन है, क्योंकि इसमें न्यूमरेटर डिनोमेटर से बड़ा है तो डेफिनेटली ये कौन सा फ्रैक्शन हो जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर सपोज़ हमारे पास में कोई मिक्स फ्रैक्शन दे रखा है, जैसे हमारे पास में जो क्वेश्चन नंबर ई है उसके अंदर हमें एक मिक्स फ्रैक्शन दे रखा है, फिर हमें उसका रेसिप्रोकल लेना है तो पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। 2 1 = 2 + 1 तो ये 3/2 हो जाएगा। फिर अगर आप इसका रेसिप्रोकल लेते हैं तो ये 2/3 आ जाता है और क्योंकि इसमें न्यूमरेटर जो है डिनोमेटर से छोटा है तो उसके आगे आप लिख सकते हो कि दिस इज़ द प्रॉपर फ्रैक्शन। इस नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत सिंपल सा है, 1/9 दे रखा है और हमें इसका रेसिप्रोकल लेना है, तो हम न्यूमरेटर को जो है नीचे लिख देंगे और डिनोमेटर को ऊपर लिख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 9/1 और क्योंकि इसके अंदर जो है न्यूमरेटर जो है डिनोमेटर से बड़ा है तो हमारा आंसर इसके आगे आएगा कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो फर्स्ट 2 क्वेश्चन में हमने डिवाइड और रेसिप्रोकल समझ लिया कि किस तरीके से डिवाइड और रेसिप्रोकल करना है। इसी तरीके से हमें जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि आपको डिवाइड करना है, तो डिवाइड में बाय जब लिखा होता है तो हम किस तरीके से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
तो नाउ वी आर टेकिंग द क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज नंबर 2C। जो भी क्वेश्चन है वो इस तरीके से दे रखा है, इसमें लिखा हुआ है आपको डिवाइड करना है। डिवाइड करने के साथ साथ उसमें इन्होंने पहले लिखा हुआ है 3/7/3। अगर हमें ऐसे क्वेश्चन दे रखा होता तो पहले हम इसको लिखते हैं 3/7/y की जगह आप डिवीजन का साइन लगाएं, फिर 3 लिखें, फिर जैसे हमारे पास में अब मल्टीप्लाई का साइन लगाना है और इसका रेसिप्रोकल लेना है, 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/7। बाकी जो प्रोसेस है वो सेम रहे, लेकिन जब हमारे पास में बाय क्वेश्चन लिखा हुआ होता है तो हम बाय की जगह क्या करते हैं, बाय की जगह हमें डिवाइड का साइन लगाना होता है। अभी हमारे पास में जो है एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं इसके अंदर। जैसे बी क्वेश्चन अगर हमको दे रखा है तो बी क्वेश्चन में लिखा है 4/5/8, तो आप लिखोगे 4, डिवाइड का साइन लगाओगे, 5/8 लिखोगे, फिर नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं, इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं और 8/4 = 32, 32/5। हम चाहें तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो मिक्स फ्रैक्शन में हमारा आंसर 6/2/5 हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5, 6, 7 डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इसमें भी हमें रूल्स वही यूज़ करने हैं जो कि हम डिवाइड के लिए अभी तक यूज़ करते आ रहे हैं। जो फोर्थ क्वेश्चन है उसके अंदर हमें बोला गया है कि एक रिबन है जो कि 15 1/5 मीटर है, जिसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और हमें हर पार्ट की लेंथ निकालनी है। तो बेसिकली हमें क्वेश्चन से डायरेक्टली समझ में आ रहा है कि जो टोटल लेंथ जो है, अगर आपकी सपोज़ टोटल लेंथ 15 1/5 मीटर दे रखी है और इसके 4 इक्वल पार्ट्स हैं, तो डेफिनेटली हमें अगर एक पार्ट की लेंथ निकालनी है तो हमें डिवाइड ही करना पड़ेगा। वन पार्ट लेंथ अगर हम निकाल रहे हैं तो जो टोटल लेंथ है 15 1/5, इसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, 4 से। तो 15 1/5 को पहले, क्योंकि ये मिक्स फ्रैक्शन है तो आपको इसको पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। 15 5 जो होता है वो 75 होता है, 75 + 1 = 76/5, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और इसका आपको रेसिप्रोकल लेना है। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारा 19 आ जाता है, तो आंसर आ जाएगा हमारा 19/5, और इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 3/4/5 विल बी योर आंसर, ये आपकी लेंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें हमें दे रखा है कि कॉस्ट ऑफ 3 1/4 kg एप्पल्स इज 130, यानी कि हमारे पास 3 1/4 kg एप्पल्स हैं और इसकी कॉस्ट हमें 130 रुपीज़ दे रखी है। तो बेसिकली अगर हमें 1 kg की कॉस्ट निकालनी है तो वापस आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड ही करना पड़ेगा, यानी कि 130 में आपको 3 1/4 को डिवाइड करना है। तो सेम प्रोसेस लेंगे, पहले जो मिक्स फ्रैक्शन है उसको आप इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करोगे तो ये 13/4 आ जाएगा, फिर 130 इसमें मल्टीप्लाई का साइन लगाकर आप क्या करोगे, इसका रेसिप्रोकल ले लोगे, ये आपका 10 हो गया, तो आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आ जाएगा 40 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर हमें 2 डज़न बनानास की कॉस्ट दे रखी है, तो हमें एक बनाना की कॉस्ट निकालनी है। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एक डज़न में कितने बनानास होते हैं। एज वी नो कि 1 डज़न कंटेन्स 12 बनानास, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हमारी जो है क्वेश्चन जो है उसमें 2 डज़न बनानास हैं, तो 2 डज़न का मतलब क्या हो गया कि टोटल नंबर हमारे पास कितने हो गए, 2 × 12, तो दिस इज़ वी हैव 24 बनानास, ये 24 बनाना है। और उसके बाद में जो है कि टोटल जो कॉस्ट है वो 3/7 रुपीज़ है, टोटल कॉस्ट हमको दे रखी है, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 3/7 रुपीज़। तो अगर हमें एक की कॉस्ट निकालनी है तो इसमें हम टोटल नंबर ऑफ बनानास को डिवाइड कर देंगे, तो 1 बनाना का जो कॉस्ट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3/7/24, और अगेन इसको आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आपको कंसिडर करना पड़ेगा एज ए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो 7 × 3 = 21 + 3 कितना हो गया, 24/7, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाकर आप क्या करोगे, इसका रेसिप्रोकल लोगे, 24 से 24 कैंसिल आ गया, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/7 रुपीज़। इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, इसके अंदर हमें बता रखा है कि एक हॉस्टल के अंदर कुछ स्टूडेंट्स रहते हैं और हर स्टूडेंट को जो है कि 1/5/6 लीटर मिल्क जो है वो दिया जाता है,
और जो टोटल मिल्क वहाँ पर कंज्यूम होता है, जो काम में आता है, वो 308 लीटर है। तो हमें क्या करना है कि इस नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स काउंट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हम टोटल लीटर के अंदर 1 लीटर स्टूडेंट का जो कंजम्पशन है उसको डिवाइड कर देंगे। तो बेसिकली हमें क्या करना है कि वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। तो अगर आपने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स निकालना है तो फर्स्ट यू हैव टू राइट टोटल लीटर्स एंड एक बच्चे के लिए कितना है 1/5/6। वापस आपको इसका क्या करना पड़ेगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 11/6 आ जाएगा। 308 इसमें मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, ये आपका 11 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपका 28 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 168 स्टूडेंट्स। तो इन दैट हॉस्टल देयर आर द 168 स्टूडेंट्स। एंड विद दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड दिस विल एंड अप द चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शंस।